अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। सरकारी कोतवाली क्षेत्र के लोहाड़ी गांव में एक 36 वर्षीय युवक की रात को गांव के ही रामपाल नामक व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसकी बहुत पहले से अच्छी दोस्ती थी दोनों में, ट्रैक्टर से उसकी खेती भी करते थे राजेश, और बाद में जो भी इनकी बातचीत होती रही हो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा कह रहे थे कि जो रामपाल ने जिसने मारा है वो कह रहा था मेरी पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे, इस वजह से उसने इसकी हत्या कर दी। अब मालूम जो नहीं है कि मतलब सोते समय उनके काट डालू, अब जो नहीं है कि मतलब वो रस्ते शक हती कि कई वजह से मार शक करता था। तो आपको कब पता चला? हमें सुबह पता पड़ू, बोले कि वो घर की टीरन आए, बोले कि राजेश का काट दारू सब गए, लड़का बच्चे रो रहे थे, छोटी छोटी बच्चे लिपटी टी हुई थी एक तरफ का। तो लोगों को इसकी सूचना कब मिली, कैसे पता चला? रात में जब देखा गया कि बकरियों की आवाज़ आई, वो चिल्लाने लगी तो देखा जाके तो जब तक खून पड़ा मिला, जब तक उनकी दम मतलब मौत हो चुकी थी, फिर शोर शराबा हुआ, पुलिस आई, देखा सुना बस। क्या मतलब वो लोग कैसे हैं, रामपाल किस टाइप का व्यक्ति है, क्या करते हैं ये लोग? जे तो चोरी चमारी जे सब तो चलता है, मुकदमा भी एक है, मुकदमा भी इसका चलता है, हिस्ट्री सीटर भी थाने का रिकॉर्ड है, लेकिन इतनी गलत मतलब अंजाम जो पहली बार गांव में भी पहली बार हुआ है इतना गलत कदम। तो रामपाल के बीच में कभी कहा सुनी हुई है लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अचानक हुआ भी हो तो हमें इतनी जानकारी नहीं है। क्या नाम है जिसने कुल्हाड़ी से काटा है? रामपाल। क्या क्या वहाँ बरात पीन ली, कहाँ कहाँ उसके घाव थे? बस ये एक तरफ है, चाहे खंता मार हो चाहे कुछ भी हथियार हो। तो वहाँ कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, ले ले साथ में ले वो निकाल। तो कैसे आप शक कर रहे हैं कि वही उसी ने मारा है? देखा मैं कहा, उसकी लड़की ने कहा ना रात के कह गई कि आज हमारा पापा कह रहा हो कि आज फलानी फलानी राज्य से मारने दारू पी, बस इसके बाद में कहूँ वजह से सका है। इस संबंध में जो है थाना चरखारी पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस की दो टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही हम लोग अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे। FIR और जो अभी तक जो प्राथमिक जांच है उसके आधार पे उसमें अवैध संबंधों का कुछ मामला आ रहा है, बाकी चीज बाकी तथ्य जो है साक्ष्यों के आधार पर और बाकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद जो है स्पष्ट हो पाएंगे।